वेलकम टू माई चैनल लव यू जिंदगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये स्वादिष्ट चना दाल की रेसिपी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने प्याज, मिर्ची और टमाटर को छोटे छोटे आकार में काट कर कर रखा है और अदरक लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। लास्ट में हम धनिया पत्ता को छिड़कने के लिए इसको भी हमने छोटे छोटे काट के रखा है। चना दाल को हमने फूलने के लिए दिया था लगभग 2-3 घंटा पहले। उसको अब हमने प्रेशर कुकर में डाल के लगभग 6 सीटी दे दिए हैं। देने के बाद हमारा चना दाल देखिए पूरा बॉयल हो चुका है, ये फूल भी गया है। इसे आप पास से देखिए, ये कुछ ऐसा है हो गया है। हमने कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है, इसे हम गर्म होने देंगे कुछ देर। गर्म होने के बाद लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल दे रहे हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 2 तेज़पत्ता डाल रहे हैं, 1 सूखी लाल मिर्च डाल रहे हैं और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल रहे हैं और 1/2 छोटी चम्मच काले सरसों के दाने डाल रहे हैं और 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं। इन सबको थोड़ी देर हम भूनने देंगे। और 1 चुटकी हींग डाल रहे हैं। इन सबको थोड़ी देर हम भून लेते हैं। हमने इसमें सूखी कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब हम इनको अच्छे से थोड़ी देर भूनने दे रहे हैं। उसके बाद इसमें हम अपना कटा हुआ प्याज और कटे हुए मिर्ची डाल दे रहे हैं। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। हमारा प्याज लगभग भून चुका है, देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे धीमी फ्लेम में। अदरक लहसुन भी हमारा भून चुका है, अब हम कटे हुए टमाटर इसमें डाल दे रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिला के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। इनको थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। अब हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। दाल का में जो हम दाल में जो सीटी दिए थे वही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पानी में लगभग 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर देंगे और लगभग 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर देंगे। हमारा टमाटर लगभग पक चुका है, इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए मसाला पूरा अच्छे से पक चुका है हमारा प्याज टमाटर का। अब हमारा जो पानी में जो मसाले घोल के रखे थे उसे हम डाल दे रहे हैं।
इनको अच्छे से मिला के हम ढककर कुछ देर पकाएंगे। लगभग 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के देखते हैं, हमारा मसाला पूरा पक चुका है, इसमें तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम हमारा उबले हुए दाल, चना दाल इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी कम है तो हम ऊपर से और आधा कटोरी पानी भी दे देंगे। इनको अच्छे से मिला के अब हम ढककर कुछ देर पकाएंगे। हमारा दाल में उबाल आ चुकी है, दाल को और गाढ़ा बनाने के लिए हम मैशर की मदद से इसको थोड़ा और पीस ले रहे हैं ताकि दाल बहुत घना और स्वादिष्ट बने। देखिए ये मैशर से मैं इसे पीस ले रही हूँ और हमारा दाल अभी गाढ़ा दिख रहा है। अब हम ऊपर से कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ में पीस के इसको ऊपर से छिड़क दे रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप पानी अगर और कम करना चाहे तो और थोड़ी देर इसको गैस में पकने के लिए दे सकते हैं। अब जो हमारे कटे हुए धनिया पत्ता है उसे भी हम ऊपर से डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दे रहे हैं, इसका स्वाद और अच्छा लगता है। अब हम इस दाल को गर्मा गर्म परोस लेंगे। हमारा स्वादिष्ट दाल बनके तैयार हो चुका है, इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।